हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। आज के वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज मैं आपके साथ अपना ब्लाउजेस कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे अभी फिट नहीं होते हैं आफ्टर डिलीवरी, और साथ साथ में बताती जाऊँगी कि इसमें से कौन से चांसेस हैं फिट होने के, कौन से ब्लाउजेस फिट होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। लेट्स सी कि कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस एक ब्लाउज़ से जो मेरी शादी में, मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा लंबा खींचा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये इसमें बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, पार्टी वेयर है प्रॉपर ब्लाउज़। ये एक साड़ी के साथ आया था मेरी शादी में। मैंने एक साड़ी ली थी रेड कलर की, उसमें इस तरीके वर्क का बॉर्डर था प्लेन ब्लर रेड साड़ी में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ है जो मैंने आज तक पहना भी नहीं है। तब उस टाइम बहुत बड़ा था, रेडीमेड आया था उसके साथ, तब छोटा कराने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। चांसेस हैं इसमें कि इसको ऑल्टर कराने के, लेकिन साइड जिप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखती हूँ फिट कराना है या नहीं कराना है, या इसी में फ़िट होने हैं होना है, लेट्स सी। लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है और साड़ी के साथ इसको पहना जा सकता है, इसको प्लेन इसको लहंगे के साथ पहन सकते हैं, तो बहुत तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। प्रॉपर पार्टी वेयर ब्लाउज़ है। सो ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट है। दिस इज़ द फर्स्ट ब्लाउज। नेक्स्ट आई हैव दिस वन जो मैंने लाजपत नगर से ख़रीदा था। ये बहुत सुंदर ब्लाउज है, ये भी बड़े साइज़ का था। मेरे साइज़ के रेडीमेड ब्लाउजेज बहुत कम मिलते थे, तो मुझे ऑल्टर ही कराना पड़ता था। ये काफ़ी बड़ा था तो इसमें अच्छा खासा मार्जिन है। स्टिचिंग खुलते ही मेरे साइज़ का ये हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं बहुत खुश हूँ। मल्टीपल इसमें मल्टी कलर्स हैं, तो बहुत सारी साड़ीज़ के साथ जाएगा। बहुत ही प्यारा है, बोटनेक फ्रंट ऑल्सो एंड बैक ऑल्सो, बैक साइड में हुक्स दिए हुए हैं। बहुत सुंदर ब्लाउज़ है, तो मैं इसको फटाफट की स्टिचिंग खोलकर अपने साइज़ का कर लूँगी। आई लाइक इट। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल गया ऑनलाइन सिमिलर ब्लाउजेस का, तो मैं आपको डेफिनेटली दे दूँगी, या फिर मैंने और भी ब्लाउजेज मंगाए हुए हैं तो उनका मैं आपको लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट आई हैव दिस, साउथ इंडिया मॉल से लिया था मैंने बैंगलोर से, एंड दिस इज़ वॉज़ वेरी नाइस। ये भी मेरा, ये मैंने तब फिट करवाया भी नहीं, तब मुझे ये बड़ा था और अब मुझे ये छोटा है। लेकिन स्टिचिंग खुलते ही इसकी साइड में कई सारी दी हुई हैं, तो ये भी आई थिंक मेरे फिटिंग का हो जाएगा। ये भी अच्छा ब्लाउज़ है, गोल्डन कलर में, काफ़ी सारी साड़ी इसके साथ जा सकता है। आई लाइक इट। डिज़ाइन भी अच्छा है इसमें, इस तरह का लेसी लेसी डिज़ाइन दिया हुआ है, तो ये भी ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लाउज़ जो कस्टमाइज्ड है, मेरी एक साड़ी के साथ था। ये ब्लैक कलर की साड़ी है, उसमें एक बॉर्डर ऐसा दिया है, एक ऐसा ऑरेंज दिया है। डिफरेंट है काफ़ी, बहुत सुंदर लगती है। जो मैंने मऊ से ख़रीदी थी एंड मैंने वो पहन चुकी हूँ एक दो बार, वो साड़ी में पिक्चर मिल गई तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये वो ब्लाउज़ है, ये फिट होने के चांसेस है लेंथ, क्योंकि टेलर ने ठीक बनाई हुई है। अदरवाइज़ कुछ ब्लाउजेस हैं मेरे जिनकी लेंथ भी बहुत छोटी बनाई हुई है। अभी तो कोई चांस नहीं फिट होने का, जो मैं काफ़ी सारा 7-8 केजीज रिड्यूस कर लूँगी, उसके बाद फिट होगा मुझे ये। सो आई लाइक दिस ब्लाउज़, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आई हैव दिस वन जो मैं ऑलरेडी फिट कर चुकी हूँ स्टिचिंग खोल कर इसकी साइड की, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है ना, ये नेट है, तो बहुत सुंदर लगता है ब्लाउज़। मैंने तब नहीं पहना था जब स्टिच कराया था, और अब ये फिटिंग खोलने के बाद इसकी थोड़े से साइड से सिलाई खोल के ये मैंने पहना है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। फुल स्लीव्स का, थोड़ी सी चूड़ीदार टाइप की स्लीव्स आती हैं, बैक ये की होल दिया हुआ है। ये ब्लाउज़ भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बहुत सारी साड़ी इसके साथ जाता है। आई लव दिस, और सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि ये मुझे आ जाता है। अब ये जो ब्लाउज़ है इसके पता नहीं भाई इस जन्म में ये मुझे फ़िट होने वाला है या नहीं, ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहना है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, इसका कपड़ा, इसका फैब्रिक, इसका डिज़ाइन, इसकी फिटिंग सब कुछ बहुत प्यारा था। बहुत मन से मैंने बनवाया था, और पैडर्ड की 900 प्लस ही जाती है, 1000 के अराउंड की स्टिचिंग भी गई थी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे ब्लाउजेज़ हैं जो चांसेस नहीं है फिट होने के, जिसका मुझे काफ़ी दुख है। नीचे से खुल के अंदर कुछ देखते हैं, अभी तो नहीं होने वाला है, वही है 7-8 केजीज़ का भी लूज़ होगा तो तब कोई चांसेस हैं। बट आई लव दिस ब्लाउज़, सिल्वर कलर बहुत सारी इसके साथ जाता है, वाइट के साथ भी अच्छा लगता है, और बहुत सारी साड़ीज के साथ जाता है। नेक्स्ट आई हैव दिस जो मैंने लाजपत नगर से ही लिया था। अगेन ये भी बहुत बड़े साइज़ का था, तो ये भी ईजीली हो जाएगा फिट, साइड की स्टिचिंग खोल कर आराम से मेरे साइज़ में फ़िट हो जाएगा, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सुंदर ब्लाउज़ है ये भी, इसका ये जो यहाँ से स्ट्रैप्स ना, मुझे ज़्यादा ब्रॉड पसंद नहीं है, तो इसकी स्ट्रैप्स भी एकदम परफेक्ट है, और इसकी बहुत डीप था। ये काफ़ी मेहनत करके मैंने इसको ना ऑल्टर किया था, खुद ही किया था, काफ़ी ज़्यादा डीप था, तो मैंने इसके स्ट्रैप्स भी ऐसे फोल्ड किए हुए हैं, वरना थोड़े और पतले से दिखते थे। तो बैक को, तो ये नेक को थोड़ा सा मैंने छोटा करने के लिए किया था ऊपर से, और सुई से किया हुआ है, बहुत मेहनत लगी थी इसको करने में। और ये ब्लाउज़ भी काफ़ी सुंदर है, बहुत सारी साड़ी इसके साथ जाता है। आई लव दिस, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है।
नेक्स्ट आई हैव दिस वन जो मैंने रिसेंटली एक चिकनकारी साड़ी के साथ पहना था, ये भी मैंने साउथ इंडिया मॉल से लिया था फ्रॉम बैंगलोर। और ये ब्लाउज भी थोड़ी सी स्टिचिंग खोलते ही मुझे एकदम फिट हो गया, एक सिलाई खोलनी पड़ी थी इसकी। यस, फिट आ गया मुझे एकदम, थोड़ा सा टाइट लग रहा था। और लकीली मेरी उस चिकनकारी साड़ी के साथ मेरे पास कोई ब्लाउज नहीं मिल रहा था, तो ये बहुत अच्छे से गया। उसमें ये वाला जो लाइट कलर है ना, इस तरह की वो साड़ी, और बहुत अच्छा लग रहा था। पिक्चर शेयर कर लूँगी मैं आपके साथ। तो ये ब्लाउज भी मुझे ऐसे बैक साइड में इस तरह का डिज़ाइन दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लाउज जो मैंने पहना नहीं है कभी, और कुछ अजीब सा ही बन गया था, पता नहीं इसका फिट थोड़ा सा। ये मैंने एक्चुअली खुद ट्राई किया था, ओ माय गॉड, ये मैंने खुद से ट्राई किया था ब्लाउज सिलने का। आई डोंट बिलीव मैंने कभी ऐसे काम किया, और मुझसे ये ऐसा हो भी गया। पता नहीं, नए नए शौक लगते हैं कभी कभी। और मैंने ब्लाउज बना दिया था प्रॉपर, और सी पैड्स कैसे लगाए हुए हैं ऊपर से ऐसे करके। क्या ये मैंने सच में बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, सॉरी, वही मैं सोचूं मैंने ब्लाउज़ कैसे बना दिया। मैंने एक बार ब्लाउज़ ट्राई तो किया था, बहुत ही ख़राब बना था। ये मैंने टेलर से बनवाया था, हाँ ये टेलर से बनवाया था, तो ये टेलर ने अच्छा तो नहीं बनाया था, और ये मैंने कभी पहना भी नहीं है, और अभी कोई चांसेस भी नहीं है। क्यों नहीं पहना है पता नहीं। तो ये भी ब्लाउज़ अच्छा है, पर अभी तो नहीं आने वाला है, लेट्स सी कभी आता है तो। वीडियो पता नहीं कितनी, बहुत सारे ब्लाउज़ हैं अभी तो असली जो कभी मैंने पहने नहीं हैं और चांसेस नहीं आने के। तो ये एक ब्लाउज़ है जो एक सिल्क साड़ी के साथ का, इसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो इसलिए पता नहीं कभी आएगा या नहीं, इसका फैब्रिक भी नहीं रखा होगा, कोई चांस ही नहीं है। पता नहीं टेलर ने एकदम जहाँ पैड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद बस एक इंच का फैब्रिक दिया हुआ है, उसके बाद नहीं दिया है। और इसका डिज़ाइन भी ऐसा है, उसमें देखो ये बॉर्डर भी है, तो पता नहीं फिट होगा या नहीं कभी, पर बहुत इससे पता लगता है मैं कितनी पतली होती थी उस टाइम। तो ये भी बहुत सुंदर ब्लाउज़ है, और सिल्क के साथ मैचिंग बहुत अच्छे लगते हैं ब्लाउज़। देखते हैं क्या होता है, पर मुझे फ़िट तो होना है इनमें। वो ब्लाउज़ मैंने एक बार पहना है, ये ब्लाउज़ मैंने आज तक नहीं पहना है। ये फैब्रिक था, किसी साड़ी के साथ में आया था, और ये भी मैंने बहुत मन से बनवाया था, काफ़ी सुंदर है ये फ्रंट जो इसका डिज़ाइन है, एंड बैक भी इसका पाइपिंग वगैरह लगवा कर डिज़ाइन, वेलवेट है ये जो फैब्रिक है, और बहुत सुंदर सा बनवाया था मैंने ये ब्लाउज़। अब पता नहीं कब फिट होगा, होगा तो ज़रूर होगा। ये भी ना टेलर ने बहुत ऐसे गड़बड़ की है, अगर वो साइड से ऐसे सिलाई लगा देते हैं तो खुलने में इजी रहता है, तो उसने स्टिच करके फिर उसके बाद ऐसे पाइपिंग लगाई है, तो उससे बड़ी गड़बड़ हो जाती है ऐसे खोलने के, फिर तो पूरी पाइपिंग ही काटनी पड़ेगी, तो इसमें इसलिए कुछ अभी किया नहीं जा सकता है। जब मैं वापस इसमें फ़िट होंगी तब का तब देखेंगे, पर ये ब्लाउज़ बहुत प्यारा है। नेक्स्ट आई हैव दिस वन, ये मैंने इस एक ऐसा फैब्रिक ख़रीदा था, पूरी साड़ी खरीदी थी 6 meters की, लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो जो मैं प्लीट्स बनाती थी उसके बाद उसमें पिन ही नहीं घुसता था, तो मैंने थोड़ा सा फैब्रिक कटवा कर उसका ये ब्लाउज़ बनवा लिया था, जो मैंने नहीं पहना है आज तक। और ये ब्लाउज़ भी काफ़ी साड़ीज के साथ चल सकता है, इसकी भी लेंथ काफ़ी छोटी बनाई हुई है टेलर ने, और काफ़ी साड़ीज के साथ जा सकता है ये। ये साड़ी है मेरे पास ऐसी, ये भी काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ है। नेक्स्ट आई हैव, ये भी एक साड़ी है मेरे पास ऐसी ही, उसके मैचिंग का है, आज तक ना मैंने ये साड़ी पहनी और ना ही मैंने ब्लाउज़ पहना है, पर ये बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है साड़ी, पहनूंगी इसको अभी कभी चांस मिलता है तो। आई लव दिस, इसकी भी लेंथ बहुत छोटी बनाई हुई है, पर इनका फिटिंग बहुत सुंदर बनाया था उन्होंने और टेलर ने, बहुत अच्छा सिला हुआ है ये, खुल तो सकता है ये, इसमें भी वही किया हुआ है टेलर ने, साइड से वो करके बाद में बॉर्डर मोड़ा हुआ है, तो अभी इसको खोलने का ट्राई भी नहीं कर सकते हैं, वैसे भी इसके कोई चांसेस है नहीं आने के। नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लाउज़ जो मैंने एक लहंगा बनवाया था, काफ़ी ये है ऐसा ही मेरा लहंगा भी है और सेम ये ब्लाउज़ है, तो ये भी आने के कोई चांसेस नहीं है। लहंगा तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बट ब्लाउज़ के अभी कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं है साइड में, लेंथ आई थिंक ज़्यादा भी छोटी नहीं है इसकी, ठीक ठीक है, पर ये बहुत अच्छा लगता है मुझे लहंगा। फुल स्लीव्स हैं इसकी, और ये एक गोल्डन ब्लाउज़ है जो अगेन साड़ीज़ के साथ चल सकता है, काफ़ी साड़ीज़ के साथ, ये भी अच्छा लगता है, ये मुझे अपना पूरा ही सेट अच्छा लगता है। ये ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, है, यस है, अभी भी पसंद है। ये है ऐसा, ये एक फैब्रिक मिल गया था तो मैं टेलर से भी कस्टमाइज बनवाया था, पैड उन्होंने बड़ा अच्छे जुगाड़ से ऐसे ना करके ऊपर से ही रखे हुए हैं, शॉर्टकट मारा है, पर पहनने के बाद कुछ पता चलता नहीं है, तो ये ब्लाउज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है अपना।
नेक्स्ट आई हैव दिस जो मेरी एक साड़ी के साथ का ही है, ऐसी ही साड़ी है जैसे फैब्रिक है एग्जैक्टली, और ये इसकी भी फिटिंग बहुत सुंदर है लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाया हुआ है। देखते हैं ये भी कभी फिट होता है या नहीं। डिज़ाइन बहुत सुंदर है इसका, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये प्लेन है तो बहुत सारी साड़ीज के साथ चला जाता है। येलो कलर तो ऐसा होता ही है जो मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे कलर्स के साथ जाता है। ये ब्लाउज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दो ब्लाउजेज़ हैं जो मैंने शादी में बनवाए थे, उस टाइम पे नॉन पैडेड थे। उसके बाद मैंने वही जो वो टेलर था काफ़ी ऐसे करके ना ऊपर से पैड लगा देते थे, तो मैंने इसको थोड़ा डीप करवाया था। इसका फिट मुझे उस टाइम पसंद नहीं था, नेक छोटा था, पर ये चुभता बहुत है। ये भी अभी तो नहीं आने वाला है, मुझे मार्जिन उतना है भी नहीं इसके अंदर। तो ये है ऐसा फ्रंट एंड दिस इज़ बैक, पर ये सीक्वेंस है और बहुत महंगा भी आया था ये फैब्रिक, पर बहुत चुभता है, हालत ख़राब हो जाती है। तो ये है, और ऐसा ही मेरे पास एक है सिल्वर कलर का, सेम फैब्रिक सेम डिज़ाइन। तो ये एक ब्लाउज़ है ये वाला। सो या दैट्स इट गाइज, आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे सिमिलर से ब्लाउज़ कोई मिल गए ना, या मैंने कुछ और भी मंगाए हुए हैं अमेज़ॉन से वैसा कुछ मिल गया, तो आई प्रोवाइड यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रिसेंटली मैं ऑनलाइन ब्लाउजेज बहुत सारे परचेज कर रही हूँ, क्योंकि आपने देखा इतने सारे ब्लाउजेज हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं और मुझे अभी चाहिए भी हैं इन सारी साड़ीज़ के साथ, जो मेरी बहुत सारी साड़ीज़ रखी हैं जो उनके साथ चल जाए। तो मैं फिलहाल रेडीमेड ही परचेज कर रही हूँ और उन सबका हॉल मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एंड मैं लिंक कुछ ब्लाउजेज़ का जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, थोड़े सिमिलर होंगे, तो उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।